नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के त्रिनगर में युवा कांग्रेस सनी गोयल के नेतृत्व में दान शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। त्रिनगर के हथौड़ा राम पार्क में मनाया गया गणतंत्र दिवस, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर त्रिनगर के हथौड़ा राम पार्क में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन और महाराजा अग्रसेन युद्ध संगठन द्वारा संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर संगठन के युवा सदस्यों ने झंडा फहराकर देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें याद किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिस मौके पर थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान का महान कार्य किया गया। महाराजा अग्रसेन युद्ध संगठन के सहयोग से लक्ष्मी तरु फाउंडेशन द्वारा त्रिनगर के हथौड़ा राम पार्क में आयोजित शिविर में अनेक लोगों ने रक्तदान का कल्याणकारी कार्य किया, तो वहीं स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर अनेक लोगों ने उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञों से अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और स्वास्थ्य संबंधी सलाह प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया, तो आयोजक और कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों ने मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया और दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरित किया था। कार्यक्रम के सफल आयोजन में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के संस्थापक विपिन गर्ग, लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के सह संस्थापक दीपक गुप्ता, लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के सदस्य अंकुर जैन, महाराजा अग्रसेन युद्ध संगठन की सदस्य कविता सिंगल, निशा गुप्ता, सौरभ गोयल, पवन सिंगल, गौरव बंसल, विनीत बंसल, विकास गोयल, हेमंत गुप्ता, अमित गुप्ता, तुषार अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजो पवन भाई, इधर आजो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ हथौड़ा राम पार्क में, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। सन्नी गोयल जी, ये संस्था ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य में? हमारा महाराजा अग्रसेन युद्ध संगठन की ओर से, लक्ष्मी तरु फाउंडेशन की ओर से मिलकर हम लोग यहाँ पे, हमने क्या नाम है, ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाया गया है और साथ में हमने हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है, जिसमें जनता आती जाती, जनता बुजुर्ग हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो अपना आगे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चेकअप करवा सकता है। और बाकी आज गणतंत्र दिवस का मौका है, हम लोगों ने यहाँ झंडा फहराकर और सब लोगों का प्यार एकत्रित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए सब लोगों का। सनी जी, ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा, हेल्थ कैंप के अलावा आपकी जो संस्था है और क्या क्या कार्य करती है? अभी हमारा युद्ध संगठन अभी नया नया बना है। अच्छा। अभी हम लोग एग्रेसिव हो रहे हैं इसको लेके कि हम आगे क्या क्या करेंगे। हम इस संगठन के द्वारा आगे, बहुत आगे तक जाने की हमारी सोच है कि अगर हम जितने भी अग्रसेन से जुड़े हुए लोगों को हम जोड़ सके और आगे एकत्रित कर सके, एक हम भी ये दिखा दें कि कुछ है। आज पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि युवाओं आपके साथ जुड़े? और मैं अपने क्षेत्र या पूरे दिल्ली देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस की आदि शुभकामना देना चाहता हूँ, हमारी जनता की आवाज़ हमारे लोकतंत्र तक पहुँचे और हमारा जो संविधान जो आज की तारीख में बनाया गया था 26 जनवरी के दिन, वो हमें आगे ऐसे ही खुशियाँ मनाता रहे, ऐसे ही चलता रहे। सनी गोयल जी, जिस तरीके से मोहल्ले में ठेके खोले गए हैं और पहले ज़्यादा छूट ड्राई डे होता था, मात्र साल में 3 ड्राई डे होंगे, कैसे देखती है कांग्रेस? देखो जी, अभी उन्होंने 3 दिन फाइल करे है, ये चीज़ गलत है। होली दिवाली, पहले तो जितने भी ग्रेजुएटेड डे होते थे उन सबको अवकाश मिलता था, लेकिन इन्होंने ये 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ ये केजरीवाल सरकार की और मोदी सरकार जी की, इन लोगों ने मिलके जो है अपना टैक्स बढ़ाने के लिए ये कार्य किया है। जिस तरीके से दिल्ली मॉडल दिखाते हैं केजरीवाल जी अन्य राज्यों में जाकर, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, दिल्ली मॉडल दिखाते हैं। मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल जी, केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी पहले दिल्ली में आगे देख तो ले क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दिल्ली में। सारी सड़कें ध्वस्त है, सारी नालियां जाम पड़ी है। अगर उनके पास कोई, उनके MLA के पास कोई चला जाए कार्य के लिए,
तो उनका जवाब ये होता है कि आपने ना मुझे वोट दी नहीं है। तो ये संदेश उनका जनता तक पहुंच चुका है और जनता ही फैसला करेगी आने वाले चुनावों के अंदर कि अब क्या होगा। सनी गोयल जी, जिस तरीके से रोटेशन हो गया है, आपका त्रिनगर जनरल है, क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी का? पार्टी की तरफ से सिर्फ टिकट मिलना बाकी है। अब जिसे भी टिकट मिलेगी, पहले जो टिकट के ऊपर बात है, पहले टिकट जिसको देगी पार्टी, फिर आगे हम चलेंगे। हम तो तैयारियाँ करते ही आए हैं शुरू से और करते भी रहे हैं, और पार्टी टिकट जिसे देगी हम उसके साथ जी जहाँ से लगेंगे। सामने बहुत बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बड़ी पार्टी है। ये तो पार्टी हमारा तो अंश है, ये पार्टी, ये तो हमारे में से बनी हुई पार्टी है। आप इसको बड़ी पार्टी कैसे कह रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए। ये तो सिर्फ हमारा अंश था, हमारे कांग्रेस में से ही पार्टी बनी है। क्या लगता है आपको, लोग वापस आएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ? लोगों को जो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में हम जितनी मर्जी टिकटें, जिनको टिकटें नहीं मिलेगी वो अपने आप सब वापसी कराएंगे, सब वापसी आने हैं जी। जिसकी टिकट कटेगी आम आदमी पार्टी में, क्योंकि वहाँ लाइन लगी हुई है, और हमारे यहाँ जो वर्कर है उसको टिकट मिलेगी, जो लगा हुआ है, जो काम कर रहा है उसको पार्टी टिकट देगी। आपका नाम भी जोर शोर से चल रहा है, अगर पार्टी आपको यहाँ से प्रत्याशी बना दी तो क्या सीट निकाल कर देंगे आप? हम तो पूरा प्रयास करेंगे, अपना प्रयास करना हमारा, और बाकी फैसला जनता करेगी, जनता के हाथ में, जनता करेगी। और नया सोच, नया युवा, नया चेहरा जनता लाना चाहती है, और काम को सलाम होता है। गोयल साहब, अगर हम बात करें त्रिनगर वार्ड की, तो समस्याएं क्या क्या है, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो समस्या क्या क्या गिनाते हैं लोग? समस्या पहले तो आप साफ सफाई की बात करते हैं, नालियों की बातें करते हैं, सड़कों की बातें करते हैं, मॉडल दिल्ली की बात करते हैं केजरीवाल जी, लेकिन जो वो बना नहीं पाए, जो शीला दीक्षित जी ने बनाया, जो करा, वो उन्हीं पे ही, क्या नाम है, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पूरी दिल्ली में पहले जाम नहीं लगता था, आधे घंटे में गाड़ी निकलती थी, अब एक एक दो दो घंटे में गाड़ी लगती, जाम से निकलती है गाड़ियाँ, और ट्रैफिक पहले से कम ही हुआ है, बड़ा नहीं है, गाड़ियाँ भी घट गई है, लेकिन परंतु जाम कम नहीं हुआ। आप शीला दीक्षित जी ये सोचती थी रात भर कि जाम कैसे कम हो, सड़कें गड्ढे ना बने, ना आए गड्ढे रोडों पे, लेकिन केजरीवाल जी उसके ऊपर ध्यान नहीं है। केजरीवाल जी का सिर्फ ओनली पैसों पे ध्यान है, कमाई पे ध्यान है, दूसरे स्टेटों पे ध्यान है। यहाँ का दिल्ली का पैसा उठा उठा के दूसरी स्टेटों में लगा रही है, बस वो पहले दिल्ली तो संभाल ले। दिल्ली में वहाँ बाहर घोषणा कर रही है पैसे लुटाने की, देने की, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये देने की, पहले आप दिल्ली वालों को तो दे लो, दिल्ली वालों को तो कुछ कर लो पहले, बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गोयल है और मैं केशवपुरम से हूँ, और मैं आपके चैलेंज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज हमने जो ये संगठन के थ्रू हमने लगाया है, मार्गदर्शन यूथ संगठन के सभी संपादक सदस्यों के थ्रू हमने लगाया और लक्ष्मी थरू फाउंडेशन के थ्रू, मैं आपके चैलेंज के माध्यम से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, और मैं यही कहूँगा कि जल्दी जल्दी आएँ, रक्तदान करें, रक्तदान महादान होता है। कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पे ब्लड डोनेट कर दिया है? अभी तक 100 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। टारगेट कितने हैं? हमारा 200 का टारगेट है और हम 200 प्लस करके जाएंगे, हमने तो 250 सोच के चला है और हम 250 करके जाएंगे पूरा, और इसमें पूरे केशवपुरम निवासियों ने, त्रिनगर निवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप देख रहे हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं, और थोड़ा सा कोविड का भी है लोगों में, और हमने पूरा प्रोटोकॉल रखा हुआ है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज का पूरा हमने इस्तेमाल कर रखा है। इस तरह के आयोजन करके आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, ये अग्रसेन यूथ संगठन त्रिनगर की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और अच्छी बात और है कि आज 26 जनवरी के दिन इतना सुंदर दिन है हमारे देश के लिए, इस दिन उन्होंने लिखा है, तो इसकी बहुत बहुत बधाई। और संदेश यही है कि एक रहें, खून की ज़रूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है, और हम हिंदुस्तानी इतने सारे हैं, अगर सब लोग भी अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो शायद खून की कमी हमारे देश में नहीं होगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने संगठन को और स्पेशल सनी गोयल भाई को कि इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, और खुशी है हमें कि ऐसे समय समय पर ये लोग ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं, और आज हमें भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड डोनेट मैं एक रेगुलर डोनर हूँ, और कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं जगह कहाँ पे ब्लड देने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि आज हमारे घर के पास में ही है, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा ब्लड डोनेट करने, और अभी हम बस 2 मिनट बाद ब्लड डोनेट ही कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपिका वाधवा है। दीपिका वाधवा जी, जिस तरीके से अमर ज्योति जवान से वहाँ पे
हटाया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जैसा कि अभी इन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो लिया गया है संगठन के द्वारा हमारे केशवपुरम क्षेत्र में, ऐसे इनिशिएटिव्स चलते रहने चाहिए। मैं खुद भी एक सोशल वर्कर हूँ, हम लोग भी बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो बहुत अच्छा ये जो एक कॉज है जिसके लिए हम किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जिसको ब्लड की ज़रूरत है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब लोग आकर जो फिट हैं हेल्दी हैं आकर ब्लड डोनेट ज़रूर करें। महिलाएं ब्लड डोनेट करने से डरती क्यों हैं? पुरुषों तो आते हैं युवाओं के, लेकिन महिलाओं में ऐसा दिखा गया? देखिए, वो जैसा कि हमारे देश में हर चीज़ को लेकर एक मिथ क्रिएट हो जाता है, वो मिथ क्रिएटेड है। तो मैं खुद भी यहाँ पर आई हूँ, मैं ब्लड डोनेट करूँगी तो शायद उससे मैं ये मिथ दूर कर पाऊँगी कि महिलाओं को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जिस तरीके से इंडिया गेट पर अमर ज्योति जवान का ज्योति हटाया गया, वहाँ से विलय किया गया, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, आज आप मेरे साथ ये जो आपने प्रश्न किया गणतंत्र दिवस का आज जो शुभ दिन है, तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने सालों से जो अमर जवान ज्योति अपनी जगह पे स्थापित थी उसको वहाँ से हिलाया गया। तो सही नहीं किया गया है वो, पर देश को जो मंजूर है या देश के प्रधानमंत्री जी को जो ठीक लग रहा है शायद वो कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका भाई साहब? सुमित बंसल। बंसल साहब, कितने बार आप डोनेट करते हैं और इसका कोई नुकसान तो नहीं होता हमें? नहीं, अभी तक तो कोई नुकसान नहीं है जी, साल में 3 बार तो करीब डोनेट करते ही हैं हम। कब से कर रहे हैं? करीब करीब 8-10 साल हो गए जी। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ त्रिनगर में रहते हैं जी। आपको कैसा लगता है ब्लड देके जी? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जी, और देखो हमारे ब्लड देने से किसी की ज़िंदगी बचे तो ये काम जरूर करना चाहिए। हमारा इसमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान तो है ही नहीं, ना कोई भी आज तक बॉडी में अभी तक कुछ भी नुकसान हुआ है, फ़ायदा ही फ़ायदा है जी इसका, और किसी की ज़िंदगी बच जाए। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं कि वीकनेस आ जाएगी, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, वो सोच बदलनी चाहिए उन्हें, कुछ भी ऐसा नहीं होता, 1% भी वीकनेस तो होती ही नहीं है कुछ भी, 1 से 2 दिन में नॉर्मल हो जाता है, 4 दिन में, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको ज़रूर करना चाहिए, रक्तदान महादान। क्या नाम है आपका? अनुज बंसल। बंसल जी, आज आप भी ब्लड डोनेट करने आए हैं? हाँ जी, मैं भी ब्लड डोनेट करने आया हूँ, मेरे को 5 साल हो गए रेगुलर, मैं भी साल में 2 बार ज़रूर देता हूँ ब्लड, और इससे ना जैसे हमारे शरीर में कुछ एक आधा छोटा मोटा रोग स्टार्ट हुआ था वो भी खत्म हो गया। ठीक हो गए? बिल्कुल फिट, बीपी वगैरह हल्का प्लस माइनस चलता था, वो खत्म हो गया, जिसको हमने खून दिया उसकी दुआओं से, मतलब बहुत ही अच्छा काम है, हर नागरिक को करना चाहिए। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो मेरा मानना है कि कभी ज़िंदगी में कोई किसी भी प्रकार की आप बीमारी से दूर रहेंगे, और मतलब जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपका अच्छा ही होगा, ये कन्फर्म है 100%। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।